गाइस, वेलकम टू रामपुर का दस्तरखान। आज मैं बना रही हूँ चिकन पोटैटो डोनट। चिकन पोटैटो डोनट बहुत ज़्यादा यम्मी होते हैं और ख़ासकर बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं, और ये बहुत जल्दी झटपट बन जाते हैं। इतनी कोई ख़ास चीज़ें होती नहीं है इसमें और ये बहुत यम्मी से होते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको आसानी मिल सके। ये रेसिपी बनाने के लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए वो चीज़ें ये हैं। मैंने आधा किलो आलू लिए हैं, मैंने इसे बहुत अच्छी तरह बॉईल कर लिया है और इसका छिलका अलग कर लिया है। इसे मैं मैशर से खूब अच्छी तरह मैश करूँगी। एक पाव मैंने चिकन लिए है, इसे भी मैंने बॉईल करके रेशा कर लिया है। इसमें एक अंडा जाएगा और ये मोज़रेला चीज़ है, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें। ये मैंने आधी प्याली ली है और डेढ़ खाने का चमचा मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं। एक चमचा मैंने कुटा हुआ चाट मसाला लिया, ये दरदरा सा है। और एक चमचा इसमें नमक जाएगा चाय का। एक हरी मिर्च ली, इसे मैंने चॉप कर लिया है। और ये हरा धनिया है, ये भी दो खाने के चमचे जाएंगे। और एक छोटी सी प्याज लिया मैंने, ये मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिए। और ये ब्रेड क्रम्स है, ये भी दो चमचे जाएंगे इसमें फिलिंग में, और ऊपर से कोटिंग भी होगी इसकी। और ये कॉर्नफ्लावर है, ये भी दो खाने के चमचे जाएगा इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब मैं इसे खूब अच्छी तरह मैशर से मैश कर लेती हूँ। इसके अंदर हम चिकन डालेंगे, फिर बाकी तमाम मसाले डाल देंगे और फिर हम इसे फ्राई करेंगे। बहुत ज़बरदस्त होते हैं ये, हाई टी वगैरह पे भी बहुत अच्छे लगते हैं। जी मैंने अच्छे से आलू मैश कर लिए, लेकिन जब मैंने आलू बॉईल किए थे तो मैंने इसे छन्नी में रख दिया था। इसके अंदर नमी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए बॉईल होने के बाद। अब मैं इसके अंदर चिकन डाल रही हूँ। चिकन भी हम मैश करेंगे इसी से ही थोड़ा सा। जी मैंने चिकन और आलू बहुत अच्छे से मैश कर लिया। अब मैं ये जो चीज़ें हैं सब मसाले डालती हूँ इसमें। कोई मैंने चिकन पाउडर या कोई ऐसी चीज़ नहीं ली है, मैंने सारे घर के मसाले लिए चटपटे से मज़ेदार से। और ये चाट मसाला जा रहा है, कुटी हुई मिर्चें डाली है मैंने, हरी मिर्चें डाली हैं, हरा धनिया, प्याज, वन टीस्पून नमक। ये अब मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ, वन टू एंड थ्री। ये मैं बाइंडिंग के लिए डाल रही हूँ, इससे इसकी अच्छी बाइंडिंग हो जाएगी। और ये ब्रेड क्रम्स से भी बाइंडिंग के लिए और क्रिप्स क्रंची के लिए डाल रही हूँ, इससे अच्छे तरह से हो जाएंगे क्रंची से। और ये मैं अंडा डालूँगी, लेकिन मैं ये पहले हाफ डालूँगी, अगर ज़रूरत होगी तो मैं और डालूँगी इसमें। और इसे मैं अच्छी से मैश कर लूँगी हर चीज़ डाल के, फिर हम इसके डोनट बनाएंगे और फ्राई करेंगे। जी मैंने इसे बहुत अच्छी तरह मिक्स करा है, लेकिन ये हाथ से ज़्यादा अच्छी तरह मिक्स होता है। आप भी हाथ से चाहें तो हाथ से मिक्स कर लीजिएगा। और इसमें मैं हाफ अंडा जो मैंने बचाया था मैं वो भी डाल रही हूँ। इसमें पूरा एक अंडा गया है और एक अंडा हम इसके कोटिंग के लिए यूज़ करेंगे। जी व्यूअर्स, इसे मैंने बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, लेकिन इसमें मैंने थोड़ी सी लाल पिसी हुई मिर्चें डाली हैं, मुझे थोड़ी कम लग रही थी। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा मिर्चें और नमक कर सकते हैं, जैसे आपको चाहिए। जी व्यूअर्स, ये थोड़ी सी चीज़ मैंने बचा ली थी और बाकी मिक्स कर दी थी, मैं आपके सामने मिक्स कर रही हूँ इसके अंदर। बाकी मैंने डाल दी अच्छे से। अब हम इसके डोनट बना लेंगे। जी अब हम डोनट बनाते हैं। मैंने हल्का सा हाथों पर ऑयल लगा लिया है। अब मैं इसे कबाब की शेप में बनाऊंगी। अगर आपके पास डोनट कटर है तो आप उसकी मदद से भी बना सकते हैं। जी मैंने इसे कबाब की शेप में बना ली, बिल्कुल इक्वल करके। अब मैं इसे उंगली की मदद से इसमें होल करूंगी और इसे हम घुमाएंगे और इसे शेप देंगे इस तरह से।
मैंने इसे बना लिया है डोनट की शेप में, आप देखें बिल्कुल इक्वल बनाए इस तरह से। ये मैंने इस तरह से बहुत सारे बना लिए, 5 बन के, अब बाकी मैं बना रही हूँ इसी शेप में। आप इसके बाद हम इसकी कोटिंग करेंगे और फ्राई करेंगे। मैंने इन सबको शेप दे ली है, अब मैं इसे अंडे में कोट करूँगी, फिर मैं इसे ब्रेड क्रम्स में कोट करने के बाद फ्राई करूँगी, और मैं सबको एक साथ पहले कोट कर लूँगी फिर फ्राई करूँगी। अच्छी तरह हम इस पर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। जी व्यूअर्स, ये मैंने तमाम डोनट तैयार कर लिए हैं, आप इसे फ्रीज भी कर सकते हैं 1 हफ्ते तक, ये बहुत आराम से जल जाएंगे और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी परफेक्ट हैं। अब मैं इसे फ्राई करती हूँ। जी मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है, इसे बहुत ज़्यादा मैंने हाई नहीं करा है ऑयल को, और इसे मैं अब फ्राई करती हूँ, और इसे बिल्कुल लाइट गोल्डन सा करेंगे, अच्छा सा कलर देंगे हम। जी हमें इसे बहुत ज़्यादा ध्यान से फ्राई करना है, इसका इक्वल कलर आना चाहिए, और मैंने इसे टर्न किया है इसको। अब मैं इसे फ्राई कर रही हूँ, हल्के हल्के घुमा भी रही हूँ, और इसे हल्के गोल्डन करने तक हम फ्राई करेंगे। जी ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल इक्वल कलर आया, और ये फूल भी गए हैं ज़रा, और मैं इसे आप निकाल रही हूँ। जी व्यूअर्स, ये मैंने निकाल ली, इनका सबका एक सा कलर आया, और बाकी जो बचे हैं अब मैं ये फ्राई कर रही हूँ। जी व्यूअर्स, मैंने ये सारे फ्राई कर लिए हैं, और ये बहुत क्रिस्पी हो रहे हैं, इनकी आवाज़ सुने आप माशाल्लाह से। जी व्यूअर्स, ये माशाल्लाह से रेडी हो गए, बहुत ज़बरदस्त बने, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताइएगा आप लोगों को कैसे लगे, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।